26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रही। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीत हासिल हुई है, वहीं जम्मू कश्मीर में हार का सामना करना पड़ा। अब इसको लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश में हारने वाली पार्टी के नाम से लोग जानते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो लोग भी रहेंगे उनको भी अब हार का सामना ही करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, सबसे पहले आपको पट खुला और आम लोगों के दर्शन के लिए आज खोले गए, तो माँ दुर्गा की आराधना करके बिहार जैसे राज्य समृद्धि की ओर जाए, आर्थिक रूप से विकास हो, सुशासन स्थापित हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा, माँ से कामना किया हूँ। देखिए आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रही है। तो अभी आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जो कोई भी जाएगा उसको भी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अब हारने वाली पार्टी के नाम से देश में लगी है। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी का आपने सुना। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।